नमस्कार, बोंगोस एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम अभी 8 मात्रा का बार लेके चल रहे थे, उसमें मैं शिफ्टिंग पर दोबारा शिफ्ट हूं, आपको दोबारा और शिफ्टिंग के बारे में नॉलेज दूं। उससे पहले मैं वेट, वजन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसे आप देखेंगे कि हमने एक 8 मात्रा का बार बजाया था अपने एक वीडियो में, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2
बने, सिर्फ वन पे वेट दे रहे हैं और बाकी बीट कंपैरेटिवली कम स्पीड से, कम वजन से बजा रहे हैं। स्पीड वही है, वन पे हम वेट दे रहे हैं। वेट की प्रैक्टिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब तक आप वेट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी मैं हमारे जो सात वीडियो जो हैं, सेवन वीडियोस, सिर्फ वेट को मास्टर करने के लिए ही होंगे। उसके बाद मैं फिर आपको शिफ्टिंग के बारे में बताऊंगा, और शिफ्टिंग के बाद फिर मैं आपको वेट पर लेकर आऊंगा कि वेट का फर्दर डेवलपमेंट कैसे होना है, ठीक। क्योंकि अगर वेट की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको तबले के बोल बजाने को आप नहीं बजा सकते हैं। थोड़ा मैं कोशिश करके आपको बताता हूं। ये मैंने जो आपको बजा के दिखाया है, ये निमुड़ा 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 है, निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा। इस पे क्या कैसे बजाया, ये सारा तबले का या आपके नाल के पीस है, ढोलक के, तबले और ढोलक के नाल इकट्ठा बजाते हैं सब, तो इसमें बजाया है। इसको थोड़ा सा और देखते हैं, ये पीस नहीं बजा पाएंगे। इस वीडियो में हम आठ मात्रा का बार लेंगे और दो नंबर बीट को, बीट के ऊपर वजन देंगे। मैं वजन समझाने के लिए, वेट समझाने के लिए पहले हाथ के ऊपर कैसे बजाना है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, पहले हम बजाते थे 1 2 3 4 5, सॉरी दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1। ये एक के ऊपर वेट है। अब हम दो की वेट करेंगे, दो के ऊपर वेट देना है। आप थोड़ा ध्यान रखिए, मुंह से बोलते चले जाना है। अगर आप मुंह से नहीं बोलेंगे तो आपको वेट की प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक। तो मैं आपको बजा के दिखाता हूं कि जब दो पे वेट देंगे तो ताली दो पे बजाएंगे, लेकिन वन को दिमाग में रखेंगे कि हमने बार यहां से शुरू किया है, सम वन पर ही रहेगी लेकिन वेट दो पर जाएगा। तो देखिए कैसे बजेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे साथ प्रैक्टिस है, 1 2 3 4, प्रैक्टिस करिए,
सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन, ये सम है हमारा, लेकिन वजन दो नंबर बीट पर है, सेकंड बीट पर है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इसको बोंगोस पे कैसे बजाना है आप देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू। दो के ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर से मारना है, ज्यादा वेट देना है, ठीक, सेकंड मात्रा के ऊपर, सेकंड बीट के ऊपर। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। थोड़ी ज्यादा स्पीड लग रही है, थोड़ा और कम कर लेते हैं। तो वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 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 वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट प्रैक्टिस करिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव 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 सिक्स सेवन एट। थोड़ी सी स्पीड देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर 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 फाइव सिक्स सेवन एट वन फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर 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 फाइव सिक्स सेवन एट। सम वही एक पर रहेगी, वेट दो पर होगा। थोड़ी सी स्पीड और देखते हैं,
बजेगा, ठीक। और इसकी प्रैक्टिस काफी करनी है, क्योंकि ये बेसिक है वेट। अगर आपके वेट कमांड में आ गए तो समझ लीजिए तबले के बहुत सारे बोल आपके कमांड में आ जाएंगे, ठीक। और इसकी प्रैक्टिस बाद में कैसे करनी है, उसका एक तरीका और है, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। चौथा जो बार है उसको खाली छोड़ना, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4, चार को नहीं बजाना कोई भी वेट, 2 3 4, छोड़ देना है बिल्कुल, 1 2 3 4, ठीक। इसका एडवांस रूप कैसे जाता है देखिए, मैं थोड़ा सा बजाता हूं, ये वही है 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6, ये बाद में जाके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैंने ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा स्पीड ली तो थोड़ा सा हाथ उतना ज्यादा साफ नहीं आया होगा, लेकिन ये जाता ऐसे ही है। देखिए ऐसे जाएगा, 2 नंबर का वजन ही बज रहा है, बाकी सिर्फ साथ में रेले की तरह बज रहा है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। Thank you.